टेक्नोलॉजी पे, क्रिप्टो करेंसी पे बड़ा फोकस रहा था। एक तो ये कहा है कि सारी का सारी क्रिप्टो करेंसीज में बैंक्स, एनबीएफसी सब डील करना बंद कर दें। दूसरे, हमारे और आपके जितने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका पूरा डेटा, अभी तक करीब आधा डेटा जो है देश के बाहर स्टोर होता है, वो अब देश में ही स्टोर किया जाए ये जरूरी कर दिया गया है, 6 महीने के अंदर करना होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी वो थी कि अब आरबीआई खुद एक वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी लाना चाहती है। उनको लगता है कि जब लोग सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं तो आरबीआई को करेंसी प्रिंट करने का जो खर्चा है वो थोड़ा बचा लेना चाहिए। स्वागत भट्टाचार्य, आप कैसे देखते हैं इस मूव को? क्या ये लॉजिकल है, एक बड़ा नए तरीके का एक्सपेरिमेंट होगा कि सरकार खुद क्रिप्टो करेंसी ले? बहुत कठिन क्वेश्चन सवाल पूछ रहे हैं मैसे, मैं तो डिजिटल एक्सपर्ट हो नहीं, लेकिन एक चीज कहूंगा कि ये जो डिजिटल करेंसी जो बोल रही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये शायद हो भी सकता है, अभी तक कुछ पता नहीं है, गाइडलाइंस आए, रिपोर्ट आए, फिर उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मेरा अंदाजा है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी जैसे ही है लेकिन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा, मैंने एग्जैक्टली जैसे बिटकॉइन है उस तरीके का नहीं, लेकिन मैंने वैलिडेटेड विद इन द कंट्री, जो होता है कि अभी पूरे क्लाउड में चलता है, मैंने इंक्रिप्टेड करेंसीज जो भी है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, इनका यह है कि हम कंट्रोल करेंगे, हमारे पास कीज रहेंगे, जो कीज जो इंक्रिप्शन कीज होते हैं जो अभी पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो जो आरबीआई का जो प्लान है मेरे अंदाजे में, ये तो अभी बहुत देखना बाकी है, लेकिन ये खुद का करेंसी होगा जिसका की आरबीआई के पास होगा और हेंस कंट्रोल आरबीआई के पास होगा। बिल्कुल, तो ये इंटरेस्टिंग बात होगी कि ये करेंसी में वैसा सट्टा नहीं होगा और ये केवल ट्रांजैक्शन के लिए दरअसल इस्तेमाल की जाएंगे। बगर साहब आप कैसे देख रहे हैं? मैं रफली समझने की कोशिश कर रहा था, मेरा अंदाजा है कि मेरे केस में शायद 70% जो खर्च है मैं करता हूँ वो ऑनलाइन होता है, वॉलेट के थ्रू होता है, कार्ड के थ्रू होता है, सिर्फ 30% पैसा मैं निकालता हूँ और मेरी सैलरी भी ऑनलाइन आती है। तो दरअसल आरबीआई पैसे तो बचा सकती है और अच्छा आइडिया है। ये बट ये हाईटेक आइडिया है, इससे लो टेक आइडिया स्वीडन ने बहुत किए हैं। जैसे आपको अगर ये जो आपका एटीसी का मिलता है बेनिफिट, उन्होंने क्या कहा कि आपके टैक्स में से कट हो जाएगा अगर आप हाउसकीपर को पैसे दे रहे हैं, मेड को दे रहे हैं, गार्डनर को दे रहे हैं। तो हम सब एम्प्लॉय करते हैं 5-6 लोगों को जो हमारा काम करते हैं, ड्राइवर हो गए, उनको आप अगर इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिट करें तो आप उसका टैक्स ऑफसेट कर सकते हैं। इतना हो गया कि स्वीडन में आजकल दुकानें कैश नहीं लेती हैं। तो ये और बहुत तरीके हैं। अब ये बिटकॉइन से डर लगता है क्योंकि मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ, तो अब यंगस्टर्स कहते हैं यही तरीका है, यहाँ पे अनुभवी बैंकर हैं तो वो भी आप दे, बट वो डायनासोर हो जाते हैं। 25 साल से अगर आप ऊपर हैं, जैसे स्वागता जी भी कह रहे थे 25 साल से ऊपर है तो समझते नहीं, बट देखिए 58% डाउन है जो डिजिटल करेंसीज है YTD, उनका 280 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है YTM में, मार्क टू मार्केट में अभी तक, तो क्रिप्टो करेंसी। तीसरी बड़ी बात है, कोई नहीं जानता है, कोई वो सतोशी जो है जिन्होंने बिटकॉइन शुरू किया वो सामने भी नहीं आते हैं, किसने वो शुरू किया, क्या हुआ, तो ये पॉन्सी है। देखिए ये तो वो क्रिप्टो करेंसी पता नहीं कौन जारी करता है, ये केवल ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पर आधारित करेंसी होगी, लेकिन ये आरबीआई उसको बैक करेगा, इसमें सट्टा नहीं होगा, ये अच्छा होगा क्योंकि आपको पता है कि कितना और क्या बैक कर रहे हैं आरबीआई। अगर बैक कर रहा है उसको तो वो अच्छा है, और अगर आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन वो बढ़ाता है। बट जिस तरह से भारत बढ़ रहा है प्रदीप जी, हम लीप फ्रॉग कर रहे हैं, चाइना सबसे सक्षम देश है इसमें, नॉर्डिक कंट्रीज के बाद ये पेमेंट्स में डिजिटल पेमेंट्स भारत भी पहुंच रहा है उधर तक, तो ये रुपए के साथ भी हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी अच्छी है, बना लेंगे और हैक ना हो तो अच्छा है। मैं कह रहा हूँ रुपए के साथ ही जो पेमेंट हमारा चल रहा है मैकेनिज्म, ये अच्छा है कि पेमेंट रिकॉर्ड आप इधर रखिए, तो वीजा मास्टर कार्ड ये सब जिनके सर्वर बाहर रहते थे, अब आप कहेंगे कि आप यहाँ स्टोर करिए भारत में, ताकि हम कभी भी उसको एनालाइज कर सकें। तो ये डिटेल्स अभी आएंगे, अभी एक ग्रुप बना है वो रिसर्च करेगा और बताएगा, लेकिन हाँ आगे चलकर आरबीआई जो करेंसी आज प्रिंटेड नोट में इशू करती है उसका एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिकली इशू करेगी, उसका नाम लक्ष्मी होगा, उसका नाम ई रूपी होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज जरूर आने वाला है जिसकी घोषणा आज आरबीआई ने की है। इसके साथ ही वक्त है आप सभी से इजाजत लेने का, गुप्ता साहब।